जय हिंद आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ हेडक्वार्टर से है, जहां दीवानी न्यायालय अभिभाषा संघ आजमगढ़ और दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के बैनर तले दीवानी न्यायालय और कलेक्ट्री कचहरी के अधिवक्ताओं ने आज बुधवार को हापुड़ की घटना को लेकर सड़कों पर उतरे और जिला अधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दीवानी कचहरी और कलेक्ट्री कचहरी के वकीलों की एक बड़ी तादाद कलेक्ट्रेट पर देखने को मिली, जो हुकूमत मुखालिफ नारे लगा रहे थे। अधिवक्ताओं का कहना था कि वर्तमान भाजपा सरकार में आज अधिवक्ताओं के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से सरकार के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर दीवानी न्यायालय अभिभाषा संघ आजमगढ़ के अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। बार काउंसिल के निर्देशानुसार आज यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। दीवानी न्यायालय परिसर से लेकर के कलेक्ट्रेट तक दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं का एक हुजूम यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय तक आया है। उनको एक पत्रक दिया गया है और कलेक्ट्रेट में चक्रमण किया गया है। अधिवक्ता समाज को इग्नोर करके न तो शासन प्रशासन रहेगा न पुलिस वाले रहेंगे। देश को आज़ाद कराने में अगर किसी की भूमिका है तो अधिवक्ता समाज की है। अधिवक्ता समाज को इग्नोर करके, प्रताड़ित करके, मार करके आप समाज में नहीं रह सकते हैं। नियम कानून का राज होगा, जंगल राज नहीं चलेगा। अगर किसी को घमंड है तो घमंड न करें। तमाम सरकारें आई हैं, गई हैं, आते जाते रहते हैं लोग, लेकिन जो एक व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुक्रम में लॉ और आर्डर, न्याय व्यवस्था है, उसको लागू होना चाहिए। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो आपका आंदोलन किस हद तक जा सकता है? हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो यह आंदोलन जिस हद तक नहीं चाहिए उस हद तक भी पहुंच जाएगा। आजा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।